Hello students, this is the fourth lecture, fourth and last lecture. This will be the last lecture of this chapter, of this first chapter of your history. So in last class, what we have studied? We have studied about the distant relation of Harappan people. No? How they have relation and how they have connection with other people outer from their knowledge. Okay, so now we'll study about the seal scripts and weights. No? Okay, so number one, seals and sealings. So हम ये बताएगा आप लोगों को seals क्या है and sealings क्या है. Sealing ऊपर वाला वो sealing को नहीं बोलते हाँ ठीक है, ये इसका अलग मीनिंग है. I'll tell you. Okay, तो firstly, seals were used for long distance communication. न जैसे कि जस्ट हम lightly हम बोल देगा, जैसे कि हम लोग कुछ किसी को कुछ सामान पहुँचाना है ना, सो क्या करेगा वो सामान को अगर एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाना है और हमको ये विश्वास दिलाने कि ये सामान को खोला नहीं कोई ना, तो ये सामान को वहाँ पहुँचाना है और क्या करना है विथ सेफ्टी. तो कैसा हम लोग सेफ्टी उसमें ढालेगा, वो सेफ्टी मेजर क्या है, वो क्या है सील्स है, सील्स एंड सीलिंग्स है. दिस टू आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर सेंडिंग माय थिंग्स माय या इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस टू अदर्स ना, वो है ठीक है. सील से सीलिंग्स क्या करते हैं हम लोग को, हम लोग ये अज्योर कराते हैं कि मेरा सामान जो ये जगह से वो जगह में विदाउट एनी हार्म पहुँचाए उनके ठीक है. तो बताएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि एक बैग हो गया ना, बैग हो गया, बैग में बहुत सारा गुड्स है, गुड्स ना मीन सामान वगैरह हो गया. तो उसको तो अगर हम यहाँ से वहाँ भेजेगा तो बीच में अगर कोई थोड़ा कुछ ले लिया बोलने से हमको पता चल जाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ दैट सील. तो क्या करता था वो लोग, बैग सबसे पहले एक बैग था वहाँ में बहुत सारा सामान भराता था ना, सामान भराने के बाद उसको अच्छे से सबसे ऊपर वाला को पकड़ के रोप से पूरा बांध देता था वो लोग. उसके बाद वहाँ पर क्या करता था कुछ, उसके बाद क्या करता था वो लोग, ये यहाँ पे इसके बाद क्ले, उसके बाद गेला वाला जो मिट्टी होता है ना बहुत वेट वाला मिट्टी, उसको क्या कर देगा जहाँ बांधे उसमें रख देगा. उसके बाद कुछ वो लोग का सील्स, वो लोग का डिज़ाइन वाला सील्स होगा, उसे दो बार या तो तीन बार या तो एक बार स्टैम्प कर देगा, सील कर देगा ना, तो उसको बोलते सील्स एंड सीलिंग. सील्स क्या हो गया, वो लोग का जो सील्स जो डिज़ाइंस वगैरह कुछ वो लोग का अपना एक वो होता है ना डिज़ाइंस वगैरह होते हैं उसको सील बोलता है. सीलिंग मीन्स सील करना ना, तो वो है. तो देखो ये क्या करते हैं सील्स एंड सीलिंग्स क्या करते हैं हम लोग को मेक श्योर करते हैं कि मेरा सामान को रास्ता में कोई छुआ नहीं ना, कोई इधर उधर नहीं किया, वहाँ में जो थोड़ा मोड़ा सामान था उसको कोई नहीं निकले, तो ये अज्योर करते हैं. तो समझा सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स एंड सीलिंग क्या करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमको एक सामान को दूसरा जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं और वो भी बिना कुछ छेड़छाड़ी किए ना, बिना कुछ छुए किसी कोई छुए ना, तो वो है ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग्स ना, राइटिंग्स ओके स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट वो लोग कहा क्या चीज़ में लिखता था, वो लोग जो सील्स में लिखता था. और सील्स क्या से बनता था, सील्स जो वेट वाला क्ले होता है ना मट्टी, उसको सुखा के जो सनड्राई करते हैं ना, जिसके एक सबसे पहले वो क्या करता है थोड़ा मिट्टी लेते हैं उसको पानी में भिगोते हैं, फिर उसको शेप एंड साइज देते हैं, उसके बाद वो हमें कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद उसको सन में ड्राई कर देते हैं ना, तो ऐसा प्रोसेस होता है वो लोग का. यूजली वो लोग का सील जहाँ वो लोग कुछ कुछ लिखता था ना, कुछ कुछ लिखावट करता था, वहाँ पे क्या होता था यूजली नाम और टाइटल ऑफ द ओनर ना, नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर जो मेंशन होता था ना, वेयर इन सील्स ना, सील्स कंटेन द नेम एंड
टाइटल ऑफ द ओनर. ओके एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज ना, और इन सम सील्स, बहुत सारा सील्स में ऐसा होता है कि वहाँ में एनिमल का मोटिफ मीन्स एनिमल का पिक्चर्स वगैरह लगा होते हैं. वाई? बिकॉज बहुत सारा लोग होते हैं कि वो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, साइन के थ्रू ना जान लेते हैं. तो जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, ओके इसको पोस्ट देगा, ये तो ऑलरेडी हो गया ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको बोलेगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बोलेगा, तो फॉरवर्ड तो कौन जानेगा, जो पढ़ा लिखा है वो जानेगा, लेकिन जो अनपढ़ है उसके लिए क्या कर देगा, ये साइन लगा देगा ना. ठीक है, ये साइन लगा देगा. तो इससे क्या पता चलेगा वो अनपढ़ को, अनपढ़ को ये पता चलेगा हाँ हमको अभी यहाँ से आगे जाना है. बट फॉरवर्ड को तो पढ़ा लिखा लोग देख लेगा, बट इसको अनपढ़ लोग देख पाते हैं. उसी तरह हम ये बताना चाहते हैं कि वो लोग का सील्स में क्या होता था, बहुत सारा क्या था, साइंस ना, साइंस होता था, या तो एनिमल का मोटिफ ना, एनिमल का पिक्चर्स वगैरह हो गया, सब कुछ कंटेन था. इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बोला का उसको पिक्टोग्राफिक इन नेचर. क्या को? हड़प्पन लोग का स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक इन नेचर. पिक्टो मीन्स पिक्चर वाला ना, पिक्चर वाला फॉर्म में वो लोग का सील्स जो, वो लोग का स्क्रिप्ट जो, वो लोग का स्क्रिप्ट जो होता था ना, स्क्रिप्ट मीन्स बुक. हाँ ठीक है, वो लोग का स्क्रिप्ट नोट्स होता था. किसका? हड़प्पन लोग का. वो लोग हमेशा पिक्चर, जैसे कि हमको एक गच्ची को दिखाना है तो ऐसा बनाता था ना, वो लोग पिक्चर को ज़्यादा वैल्यू देता था, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर टाइम वो लोग का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ना. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वो लोग का सबसे बड़ा एक चीज़ है, वो लोग का स्क्रिप्ट में क्या होता था, वो लोग क्या करता था, वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं. सो क्या होता है, हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ ख़त्म करते हैं ना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ लिखते हैं ना. ये नॉर्मल, ये हम लोग का लिखने का फॉर्म है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं. और ये फर्स्ट लाइन में होता है, फिर सेकेंड लाइन में वो लोग फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे लिखिएगा, इसके बाद क्या करते हैं, फिर वो लोग यहाँ से शुरू करते हैं. लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, हम लोग तो क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर ये ख़त्म होने से भी यहाँ से शुरू करते हैं. बट वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग यहाँ से शुरू करेगा, सॉरी वो लोग का ऐसा होता है, वो लोग का यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करेगा फिर यहाँ से, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग का अपोजिट ना, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग का अपोजिट लिखते हैं. तो हम लोग नॉर्मल इंसान लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ शुरू करते हैं ना. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करेगा फिर यहाँ से लिखेगा, यहाँ शुरू करेगा फिर यहाँ से लिखेगा. वो लोग का फॉर्म लिखने का राइटिंग जो ऐसा है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट, और वो लोग का ये स्टाइल को क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोफेदन ना, ये इन एग्ज़ाम 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं. तो बोस्ट्रोफेदन बोलते हैं. ठीक है, और ऐसा होता है, ये लोग का स्क्रिप्ट में बहुत सारा साइन मिलेगा आपको, साइन ना, जैसे कि ऊपर जाओ, एनिमल का, या तो एनिमल का पिक्चर मिल जाएगा ना, ऐसा वाला साइन मिल जाएगा, ऐसा वाला मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा इंसान का ना, ये सब साइन बहुत सारा देखने को मिला. और उनमें से देखो बहुत सारा नंबर ऑफ साइंस लाइक 375 to 400 मिला है ना. लेकिन जितना भी साइंस है और डिफरेंट है साइंस, ऐसा भी होता है वो लोग का, तो ये सब साइंस क्या है किसी को मालूम नहीं चला. बहुत सारा साइंस है जिसको अभी तक हम लोग को पता नहीं चला कि वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या हम लोग को बताते हैं ना, तो वो सब है. और उसके बाद ये लोग का स्क्रिप्ट में, ये लोग का मीन्स बुक में क्या होता था, ये लोग कुछ लाइन बहुत शॉर्ट होता था ना, कुछ लाइन बहुत छोटा होता था और कुछ लाइन बहुत बड़ा होता था. बड़ा मीन्स
26 साइंस तक भी होता था एक स्क्रिप्ट में ना, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं वो लोग का स्क्रिप्ट या तो शॉर्ट होता था या लॉन्गेस्ट होता था, और लॉन्गेस्ट में क्या होता था 26 साइन कंटेन करता था, ठीक है। और ये 26 साइन कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिले, हम लोग को सीन्स में मिले, कॉपर जार में मिले, ज्वेलरीज, बीड्स ना, ये सब में हम लोग को बहुत सारा साइन देखने को मिला है, ओके बोल रहे ना। लेकिन देखो अभी तक स्टिल द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन वेयर अनडिसाइफर टिल डेट, अभी तक हम लोग डिसाइफर मीन्स पढ़ नहीं पाए ना, ठीक है। डिसाइफर मीन्स पढ़ना, हाँ तो पढ़ सकना, तो अभी तक क्या है ये अनडिसाइफर है, क्या जो स्क्रिप्ट, जो किसका स्क्रिप्ट, हरप्पन का, तो हरप्पन का स्क्रिप्ट अभी तक क्या है अनडिसाइफर है। अनडिसाइफर मीन्स अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना, बहुत सारा साइन हो गया, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट साइंस है जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग पता नहीं चले कि ये साइन एग्जैक्टली क्या बताता है ना, इसलिए बोला कि हरप्पन स्क्रिप्ट वर स्टिल नॉट डिसाइफर, ओके तो वही है। तो उसके बाद नंबर थर्ड है वेट। वेट मीन्स इन लोकल लैंग्वेज में वेट को क्या बोलेगा, पल्ला बोलेगा, पल्ला ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं आलू वालू वगैरह कुछ भी चीज़ झुकते हैं ना, तो वही है। तो वेट 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 क्या से बनता था वो लोग का, स्टोन से। हम लोग का आज का वेट क्या से बनता है, मेटल से बनता है। तो वो लोग क्या था, वो लोग स्टोन यूज़ करता था वेट को झुकने के लिए, ठीक है, वेट के लिए और उसके बाद जो स्टोन यूज़ करता था वो लोग वेट के लिए, देयर इज चर्ट। चर्ट और वो क्या फॉर्म में होता था, क्यूबिकल फॉर्म। क्यूबिकल फॉर्म मीन्स ऐसा ऐसा शेप में आ जाएगा ना, ऐसा शेप में आ जाएगा, ठीक है। जो वो लोग क्या वेट से यूज़ करता था, वो लोग पत्थर का यूज़ करता था ना, ठीक है। और वो पत्थर का नाम क्या था, चर्ट था ना। और क्या था उसके बाद, वो चर्ट जो किस तरह से वो वेट जो किस तरह का शेप में होता था, क्यूबिकल फॉर्म में होता था, ठीक है, तो वही है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स कैन बी सीन ना। सबसे पहला वेट जो कि क्या करता था वो जिसको लोअर डिनोमिनेशन बोलता था ना, वो क्या के लिए यूज़ होता था, ज्वेलरी एंड बीड्स को नाप तोल करने के लिए ना, वेट मेजरमेंट करने के लिए, किसका, ज्वेलरी एंड बीड्स का। तो वो नंबर वन हो गया। और नंबर टू क्या करता था, हायर डेसिमल, थोड़ा भारी वाला वेट जो क्या के लिए यूज़ करता था वो लोग, फूड ग्रेन्स के लिए, आलू वालों के लिए हो गया, चावल के लिए हो गया। चावल के लिए तो बहुत हल्का वाला वेट को तो यूज़ नहीं कर सकते, सो चावल के लिए तो हम लोग क्या चाहिए, बहुत थोड़ा भारी वाला चाहिए होगा ना। तो फूड ग्रेन्स के लिए थोड़ा हायर डेसिमल, नंबर ज़्यादा वाला ना, नंबर ज़्यादा मीन्स वेट ज़्यादा वाला वेट को यूज़ करता था कौन लोग, हरप्पन पीपल लोग। और उसके बाद कुछ देखो हम लोग क्या मिले, मेटल स्केल मिला है, मीन्स अब हम लोग जैसे मेजरमेंट करते हैं ना, कपड़ा कुछ मेजरमेंट करेगा ना, या तो स्केल हो गया, वो सब क्या करते हैं वो लोग, क्लोथ कपड़ा को नापने के लिए वो लोग यूज़ करता था, और अदर मटेरियल्स। देखो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेट्स ऑफ स्टोन देखने को मिले, कोई हल्का वाला ज्वेलरी को करेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा भारी वाला फूड ग्रेन को करेगा, और कुछ स्केल जैसा कुछ हो जाएगा, उससे हम लोग क्या था कपड़ा नापता था। देखो देहे इतना वो लोग का आइडिया है ना, और ये सब वो लोग करता था, वो लोग नहीं करता था, कौन बताया हम लोग को, आर्कियोलॉजिस्ट ना, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंशियंट ऑथोरिटी। तो इसमें बहुत सारा डिबेट चलते हैं कि उस समय ऑथोरिटी एक इंसान का अंदर था कि बहुत सारा था ना, वो लोग सेल्फ गवर्नमेंट था ना, ये सब चीज़ हम लोग जानने का। यहाँ पे एंशियंट ऑथोरिटी में क्या है, यहाँ में क्या बोला है, बहुत सारा पोएट्री सील्स वेट्स वो लोग क्या था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में था, मीन्स कोई कोई क्या था, बहुत
कुछ कुछ पोत्री बहुत हाईली क्लास था, कुछ कुछ पोत्री थोड़ा नॉर्मल लुक्स था, तो उससे थोड़ा हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रिच एंड पुअर पार्ट, राइट, तो वो है। एंड आफ्टर डेट हम लोग को बहुत सारा ब्रिक्स देखने को मिले जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी था, लेकिन और सेम साइज वाला हम लोग को बहुत सारा देखने को मिला जो कि जम्मू एंड कश्मीर से गुजरात तक जितना भी घर बना है, जितना भी घर बना है, वेल बना है, ड्रेन बना है, वो सब में सेम साइज का ब्रिक्स हम लोग को मिले। हम लोग को मिले मीन्स किसको मिले? आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, एंड आर्कियोलॉजिस्ट टोल्ड अस, राइट। एंड आफ्टर डेथ उसमें ऐसा भी होता था कि लेबर वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, ना लेबर मीन्स ऑब्वियसली लेबर चाहिए होगा, तो लेबर क्या शो करता है? लेबर क्या करते हैं? लोअर कैटेगरी शो करते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि उसमें हाँ ऑथोरिटी होता होगा, कोई तो एक होता होगा इंसान जो ऑथोराइज रखता है, अपना अंदर में काम रखते हैं। जैसे आज कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कौन काम करता है? लेबर काम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी वही सबूत के तौर पे बताना चाह रहा है कि लेबर क्या करता है? अलग जगह से माइग्रेट करते हैं, कहाँ में? इंडस वैली का कुछ कुछ साइट्स में, जहाँ में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्रिक्स बनाते हैं, और क्या करते हैं वो लोग, बड़ा बड़ा वाल, ना बड़ा बड़ा वाल घर कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन लोग? लेबर लोग, जो दूसरा जगह से, लेबर लोग कहाँ से आते हैं? दूसरा जगह से आते हैं ना। और अगर लेबर आते हैं, लेबर आके काम करते हैं, तो कोई तो होगा ना उसको सुपरवाइज करने वाला। तो ऐसा कहा जाता है, कोई कोई आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि उसको सुपरवाइज कौन करता था? किंग्स, ना किंग्स करता था, या तो हायर क्लास वाला लोग करता था। तो इससे हम लोग को क्या पता है, सोसाइटी में देर इज सम पीपल जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड सम पीपल बिलोंग टू लोअर क्लास, राइट। तो वही है। और उसके बाद ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ पैलेसेस एंड किंग। पैलेसेस मीन्स किंग जहाँ बैठते हैं ना, किंग का लग्जरियस होम, ठीक है, वो है। तो आफ्टर दैट इसका नंबर वन क्या है? बिल्डिंग है, दिस शुड बी बिल्डिंग। बहुत सारा बड़ा बड़ा क्या क्या था? बिल्डिंग मिले। कहाँ में? मोहनजोदारो में बहुत सारा बिल्डिंग्स मीन्स किंग का होता होगा ना, ऐसे कुछ कुछ कोई कोई आर्कोलॉजिस्ट बोले हैं। यहाँ में बहुत सारा हम लोग क्या देखने को मिले? पैलेसेस देखने को मिले। मे बी दे आर द पैलेसेस ऑफ किंग, पर कोई कोई इसको डिनाई करते हैं, नहीं किंग का भी तो नहीं हो सकता है, कोई कोई लोग अपना से भी बनाया होगा ना, ऐसा बोलते हैं। और बहुत सारा हम लोग को क्या देखने को मिले? स्टोन स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग, ना बहुत सारा आपको कुछ कुछ बुक्स में भी होगा, फिगर्स में कुछ किंग का क्या देखे, पिक्चर, पिक्चर मीन्स आर्ट फैक्ट जो वो लोग स्कल्पचर बनाया हुआ है ना, वो भी हम लोग को देखने को मिले मोहनजोदड़ो में। तो उससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इंसान किंग होता था होगा ना, वो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कोई कोई डिनाई करते हैं उसको, ऐसा नहीं होता है, ओके ना। और कोई कोई आर्कोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि एवरीवन इज इक्वल डेट टाइम, ना डेट टाइम सब इक्वल था, कोई किंग विंग नहीं था, कोई कोई ऐसा बोलते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी किसी किसी को तो पिक्चर स्कल्पचर मिला है, मूर्ति वगैरह मिला है ना, कुछ कुछ किंग लाइक स्ट्रक्चर का। तो ऐसा डिबेट चलते रहते हैं ये लोग का ना, वो है। और कोई कोई बिलीव करता है कि मोहनजोदड़ो में क्या था, वो लोग अलग से रूल करता था ना, मोहनजोदड़ो में क्या था, वो लोग अलग से रूल करता था, वो लोग मोहनजोदड़ो हरप्पन का अंदर में नहीं था, वो लोग अपना एक सेकुलर स्टेट जगह था, वो क्या बोलता है। लेकिन कोई कोई बोलता है कि नहीं, सब में सेम था, एक ही आदमी रूल करता था ना, ये सब चीज़ हम लोग को पता चलता है उस समय। तो आप लोग वही है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग मालूम, ऋतिक रोशन का एक मूवी तो पता होगा, मोहनजोदड़ो था क्या? हाँ मोहनजोदड़ो तो शायद, उसको देख लो, उसको देखने से भी आपको थोड़ा और थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर के बारे में ना, ओके। तो हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन ना, ये मीन्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से ख़त्म हो गया ना, उससे रीज़न क्या क्या हो सकता है ना, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे ये ख़त्म हो गया।
तो बहुत सारा स्कॉलर लोग ये डिबेट करते कि बहुत सारे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए, इसका इसका कारण हुआ होगा, उसके कारण हुआ होगा ना, बहुत सारा अपना अपना बताते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि फेमाइन ना, फेमाइन आया होगा, फेमाइन मीन्स बहुत सारा क्या बीमारी वगैरह ना, बीमारी वगैरह आया होगा, या तो कोई कोई भूखा मर गया होगा, या तो ड्रॉट ना, फेमाइन, हंगर, ड्राउट, ड्राउट मीन्स पूरा हम जहाँ वो लोग रहता था वो जगह पूरा सूख गया था होगा ना, कोई बोलते हैं कि हंगर खाने पीने नहीं मिलके मर गया होगा बहुत लोग ना, तो ये सब था। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर ना, नेचुरल डिज़ास्टर तो या आज भी चलते हैं, फ्लड वगैरह तो आते रहते हैं ना, कोई बोलते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड, टाइफून, टाइफून मीन्स आंधी ना, आंधी मीन्स आंधी तूफान को बोलते हैं, हाँ टाइफून, टाइफून आया होगा, अर्थक्वेक आया होगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा ना। आज तो देखो हम लोग को तो पता है अर्थक्वेक क्या है, लैंडस्लाइड क्या होते हैं, और हंगर, ड्रॉट, फ्लड, तूफान, आंधी क्या होते हैं, बट बेचारा वो लोग का समय को तो पता नहीं होगा, तूफान अचानक से आ जाएगा तो वो लोग किस तरह से हैंडल करेगा पता नहीं है, तो वही था। और फ्लड, वोल्केनो को तो हम लोग जानते हैं, वोल्केनो अगर इरप्ट हो जाने से, फूट जाने से क्या होता है, उसमें जितना भी आसपास में आदमी लोग रहते हैं ख़त्म हो जाएगा, वो तो पूरा जल के राख हो जाएगा ना। तो वो सब नॉलेज हम लोग को है अभी फ़िलहाल में, इसलिए हम लोग वो सब डेंजरस इलाका से दूर रहते हैं, बट बेचारा वो लोग तो नहीं जानते, तो ये सब चीज़ के कारण हुआ होगा, कोई बोलते हैं ख़त्म हो गया होगा ना, और कोई बोलते हैं कि इन्वेजन ऑफ आर्यन, ये इन्वेजन ऑफ आर्यन थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जैसे ही ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ है, तो क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन है, और वैदिक सिविलाइजेशन में कौन लोग रहता था, आर्यंस लोग रहता था ना, इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि ये इन्वेजन ऑफ आर्यन क्या है, एक रीज़न हो सकता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने के लिए ना। ये आर्यन लोग क्या किए, आर्यन लोग आए सेंट्रल एशिया से आके अटैक किए, किसको, बेचारा हरप्पंस को, ये लोगों को तो पता नहीं है आदमी आने से कैसा अपना को डिफेंड करने ना, पता नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि इन्वेजन ऑफ आर्यन, आर्यन आने के कारण क्या हुआ है, वो लोग को इफेक्ट पड़ा है। और कोई बोलते हैं कि डीफॉरेस्टेशन का बेस हुआ है, बिकॉज उस समय तो पता नहीं है बेचारा वो लोग को कि डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, हम लोग ट्रीज वगैरह काटने से क्या होते हैं, मे बी क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब होने के कारण गच्ची सूख गया था होगा और वो लोग काटेगा गच्ची, ये सब डीफॉरेस्टेशन भी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन, राइट। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, कोई आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न हो सकते हैं ना, क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न हो सकता है, कैसे, क्योंकि देखो जहाँ में क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है, क्या वहाँ कोई रह पाएगा जो ठंडा इलाका से आने वाला, तो भी तो तकलीफ है ना, और ऐसा नहीं होता है क्या, अभी जो गर्म मौसम समर है, तो अचानक से विंटर आ जाएगा, तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक है वो तो बीमार पड़ जाएगा, वो तो मरने का भी चांसेस है। तो उसी तरह क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हुआ है, वो लोग का पॉपुलेशन कम होते गए एंड दे डिक्लाइन, ऐसा बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स ना, कोई बोलते हैं कि ये लोग जहाँ पे था उसमें कौन सा वो था, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है, ये इंडिया मैप है ना, यहाँ पे ये जगह में यूजली क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करता है ना ये जगह में, तो यहाँ पे क्या, कौन सा रिवर फ्लो करता है, रिवर इंडस फ्लो करता है, इसीलिए क्या था, कोई ऐसा बोलते हैं कि ये इंडस का फ्लो, रिवर फ्लो जो पहले यहाँ से होता था ना, तो यहाँ से होता था, तो अब उसका रिवर जो ट्रैक जो चेंज हो गया होगा, अलग जगह से बहता होगा बोले, तो अलग जगह से बहने से क्या होगा, वो लोगों को तो पानी नहीं मिलेगा, और आपको तो पता है जीने के लिए तो हम लोगों को तो पानी चाहिए, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, सो रिवर हकरा और घाघर का ट्रैक चेंज होने के कारण क्या हुआ है, वो लोग, वो भी एक रीज़न है कि ऐसा हो गया।
कोई कोई बोलते कि रिवर चेंज हो गया, कोई कोई बोलते कि रिवर ड्राई हो गया, ड्राई मीन्स सूख गया ना, रिवर पानी आना बंद हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब रीज़न है, क्या का रीज़न, ये सब रीज़न है ये सिविलाइजेशन का ख़त्म होने का ना। अलग 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 ये लोग क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि कौन सा रीज़न हो सकता है ये डिक्लाइन होने का, क्या का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट बचा हुआ है उसको हम फिर से पढ़ेगा। ओके सो और इसके बाद यहाँ पे जो अगर आप लोग जो कनिंगम हो गया ना, और जैसे कि जॉन मार्शल वगैरह हो गया, उसको देख लो, हम ऑलरेडी नोट्स में दे दिया था। ठीक है, तो ये लास्ट ये रिलीजियस प्रैक्टिस देखिएगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, तो क्या था रिलीजियस प्रैक्टिस, वो लोग क्या था, वो लोग यूजली मदर गॉडेसेस को भी वर्शिप करता था, वो कि हम लोग को देखने को मिला है ना। मदर गॉडेसेस बोले तो जितना भी उनका सीन्स हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, वहाँ में क्या था, बहुत वुमेन का फिगर, वुमेन का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला है ना, ब्रॉन्ज डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल भी हम लोग को मिला है। तो उससे हम लोग को ये पता चला कि वो लोग मदर गॉडेसेस को, वुमेन को, वुमेन का कुछ कुछ जैसे काली हो गया ना, काली माँ हो गया, तो वो सब कोई पूजा करता था, वो बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ एक सील में मिले हम लोग को, उस सील में क्या मिला है, एक इंसान है जो योगा वाला पोस्चर में बैठा हुआ है ना, उसका चारों तरफ क्या है, चारों तरफ एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स था, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, डियर, उसका पाव का, दोनों पाव का नीचे में ना, ये सब मिला है ना, ये सब सारा था, और गल और ये सब था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसको पशुपति शिवा भी हो सकता है, वो बोलते हैं ना, कौन लोग, आर्कियोलॉजिस्ट लोग। तो ऐसा कहा जाता है कि वो लोग पशुपति शिवा मीन्स शिव का भी पूजा करता था बोल के ना, ऐसा बोलता। और ये कहाँ भी मिले, सील में पिक्चर बना हुआ था ना, सील्स में एनग्रेव था, सील्स मीन्स वो लोग का कुछ कुछ बनाते हैं ना, वो लोग सील, वो लोग का वो लोग का पेपर था, जैसे लगे पेपर नहीं था, वो लोग मिट्टी से जो बनाते हैं वहाँ में जो लिखा हुआ था। उसके बाद वो लोग क्या था, नेचर वर्शिप भी करता था, कैसे बोलने से, बहुत सारा सील्स में हम लोगों को क्या, वो लोगों को हम लोगों को क्या देखने को मिला है, बहुत सारा पेड़ ना, गच्ची वगैरह देखने को मिला है। तो उससे हम लोग को ये पता चले कि दे इवन वर्शिप नेचर, राइट। और उसके बाद यहाँ में क्या बोला, यहाँ पे नेचर और कुछ कुछ एनिमल भी है जिसको वो लोग वर्शिप करता था, जैसे कि वन हॉर्न राइनो, एक जानवर देखा है हम लोग सील में कि उसका सिर्फ एक ही सींग था ना, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनी मीन्स वन ना, यूनी मीन्स वन, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। हाँ, तो यूनिकॉर्न बोलते हैं, तो ये लोग क्या था, ये लोग यूनिकॉर्न वन हॉर्न राइनो को भी वर्शिप करता था, वो कि हम लोग को देखने को मिले है ना। अभी हम लोग ऐसे एज्यूम किए ठीक है, और ये सब हम लोग को सील्स में देखने को मिला है ना। और जैसे कि लोथल और कालीबंगन में क्या मिले हैं हम लोग को, फायर अल्टर्स में जहाँ में पूजा वूजा करते हैं ना, देखा होगा हिंदू लोग क्या करते हैं, कुछ यज्ञ भी बोलते हैं, पूजा वूजा करने से बीच में आग होते हैं ना, आग उसमें ये जो पंडित जो बैठते हैं साथ में बैठ के कुछ पूजा वूजा करते हैं ना, तो ऐसा वाला फायर अल्टर्स में हम लोग को देखने को मिला है लोथल और कालीबंगन। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि दे वर्शिप गॉड्स ना कोई भगवान को लोग मानता ही था उनके, तो वो था। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शमन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ में लड़की भी हो सकते, लड़का भी हो सकते हैं ना, या तो फीमेल हो सकते, भी मेल हो सकते हैं। वो लोग के साथ क्या था, एक मैजिकल पावर था, वो लोग के पास एक मैजिकल पावर था, क्या का, हीलिंग करने का पावर था। और शमन्स कैन कम्युनिकेट इन अदर वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि शमन्स एक ऐसा टाइप का मेल और फीमेल है जो क्या करता है, हम लोग को हील करता है, और हम लोग को पावर देता है, और क्या करता है, हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन है, हम लोग को कम्युनिकेट कराता है किससे, फ्रॉम अदर वर्ल्ड ना। तो ये सब चीज़ था। और एक चीज़ था, इवन दो दे प्रैक्टिस रिलीजियस, बट क्या था, वो लोग का जो जितना भी घर था हम लोग को
एक एक घर में भी हम लोग का टेम्पल, आई मीन जितना भी वो लोग का जगह था, हरप्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया, किसी जगह में हम लोग को टेम्पल नहीं मिले, ये बात याद रखो। कोई भी जगह में हम लोग को टेम्पल नहीं मिले, इवन दो दे प्रैक्टिस रिलीजियस, इवन दो दे वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस, बट वी डिड नॉट फाइंड एनी टेम्पल इन द अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन ना। मे बी वो लोग घर का अंदर में, वो घर का जो कोर्टयार्ड होता है ना बीच में, वो कोर्टयार्ड में छोटा मोटा मंदिर रखता था होगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक नहीं मिला कि वहाँ में कुछ टेम्पल वगैरह का रहता था, टेम्पल वगैरह का रिमेन्स ना, सबूत कुछ भी नहीं मिले। तो ये था हम लोग का चैप्टर्स। अगर इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है प्लीज़ लेट मी नो, और आई होप कि आप लोग समझा होगा ना, ठीक है। अच्छे से कर, अच्छे से पढ़ाई करो एंड देन नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। हम जो ये हमें लेक्चर देते हैं उसको इफ़ पॉसिबल प्लीज़ अपना उसमें अपना कन्वीनियन के हिसाब से अपना ओन लैंग्वेज में कॉपी में नोट डाउन करो, सो दैट यू कैन हैव द इफेक्टिव नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करेगा, सेकेंड चैप्टर, ओके। तो उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारा पाँच छः जैसा आप लोग का चैप्टर जो क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो हम सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे तो सेंड कर दिया, तो उसे देख लेना, ठीक है। एनीवेज थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड, ठीक है।